पोहा, फिर से एक बार स्वागत है। आइए नजर डालें आज की कुछ मुख्य खबरों पर। लोकसभा का चुनाव जब से घोषित हुआ है तब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। हर पार्टी अपनी पूरी कोशिश में लगी है मतदाताओं को लुभाने में। कांग्रेस पार्टी ने जब से प्रियंका गांधी को पार्टी में अहम पद सौंपकर उनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है तब से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया है। प्रियंका गांधी भी प्रदेश के हर जिले में अपने प्रत्याशियों के पक्ष में रैलियां करके जनता से डायरेक्ट जुड़ने का दावा करते दिख रही है। प्रियंका गांधी ने 72,000 रुपया सालाना गरीबों को देने का वादा किया और रोजगार के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेसी समर्थकों ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में ही चौकीदार चोर है के नारे लगाए। प्रियंका गांधी के रोड शो पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए और कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रियंका गांधी का रोड शो फ्लॉप हो चुका है। आपस में बात।